हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी और आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी कप वाला ब्लाउज। यहाँ पे मैं ये वाला ब्लाउज 36 साइज चेस्ट के लिए बना रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 36 साइज से जो कम साइज होता है यानी 34 साइज या फिर 38 साइज भी इसमें आप कवर कर सकते हैं बहुत ही इजिली। इसका कटिंग और सिलाई दोनों हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो यहाँ पे हम 34 साइज का कप लिए। जो भी आपका साइज हो ब्लाउज का उससे एक साइज जो कम होता है उतना आपको कप लेना है। यहाँ पे हमें देखिए फ्रेंड्स, आगे की साइड दो लेयर अस्तर चाहिए, उसके लिए यहाँ पे हम दो अस्तर लिए हैं क्योंकि पतला कपड़ा है। और यहाँ पे गले पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्टोन दिया हुआ है, तो इस टाइप का गला आप कैसे बनाओगे सारा चीज मैं क्लियर करूंगी। तो चलिए यहाँ से इसको हटा लेते हैं, पहले मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं। सॉरी, पहले मेन कपड़ा जो होता है ना उसको नहीं कट करते हैं, यहाँ पे हम अस्तर वाले पार्ट के ऊपर पहले कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 36 साइज चेस्ट के लिए हम 11 इंच पे इसका फोल्डिंग लगाए हैं मार्जिन के साथ, क्योंकि 9 इंच तो चौथाई भाग हो गया 36 का और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और सबसे पहले ना किसी भी ब्लाउज में पीछे के पल्ले को हम कट करते हैं, तो यहाँ से हम पीछे के पल्ले में 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेते हैं। पीछे के पल्ले में 1 इंच हमारा मार्जिन यूज होता है, आधा इंच नीचे कमर पट्टी के लिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट के लिए। अब यहाँ से इस मार्जिन वाली लाइन को छोड़ के आपको जितना तैयार लंबाई बनाना है ब्लाउज का उतने पे मार्क कर लेना है। तो देखिए मैं इसको 14 इंच में बना रही हूँ, तो 14 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। आपका जो भी लंबाई हो ब्लाउज का आप उतने पे कर लीजिएगा। यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे और अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे ब्लाउज में देखिए कुछ इस टाइप का दिया हुआ है शोल्डर पर, तो यहाँ पे मुझे ना शोल्डर थोड़ा सा बढ़ा के लेना होगा। डीप नेक में है फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो चौड़ाई है ना गले का 6 इंच पे बैठेगा, तो हम शोल्डर थोड़ा सा बढ़ा के ले लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पे हम ले लेंगे 6 इंच में 2 पॉइंट कम और आर्म होल यहाँ पे ले लेंगे 6 इंच। यहाँ पे देखिए फिर से नाप लेते हैं और लाइन को सीधा कर लेते हैं। पीछे के पल्ले में हमें वी नेक बनाना है। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं, आपके ब्लाउज में इस तरह का स्टोन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज है डीप गले में, तो उसमें आपको 32 से लेके 40 साइज तक शोल्डर आपको 5.5 इंच लेना है। कितना लेना है? शोल्डर 5.5 और यहाँ से आर्म होल 4.25 इंच ले लेना है। देखिए यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच में 2 सूटा कम शोल्डर ली हूँ और यहाँ पे 6 इंच आर्म होल ली हूँ। यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे और सीने का चौथाई भाग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो सीने का चौथाई भाग 9 इंच हो गया और 2 इंच यहाँ पे हो गया आपका सिलाई मार्जिन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कमर है 30 साइज, तो 30 का चौथाई भाग यहाँ पे 7.5 इंच हो गया और 1 इंच हम ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। आप जितना मार्जिन लेते हो उस हिसाब से ले लीजिएगा, पर 2 इंच से ज़्यादा आपको किसी भी कपड़े में मार्जिन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर फिटिंग अच्छी नहीं आती है। यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे, फिर पीछे के पल्ले में यहाँ पे आपको शेप देना है। तो उसके लिए आपको कितने इंच पे यहाँ पे गहराई देना है? 1.5 इंच पे आपको नहीं देना है, 1.5 इंच में 2 पॉइंट कम कर लेना है, यानी 1 इंच 2 सूता पे आपको इसमें गहराई देना है। अब 2 सूता नीचे की साइड उठाते हुए लाएंगे और इसको टच करते हुए आपको यहाँ पे लाके मिला लेना है, क्योंकि ये आपका हो गया 6 इंच और इसका आधे हाथ जहाँ भी आ रहा है वहाँ तक आपको बिल्कुल सीधा लाना है और फिर आपको यहाँ से इसमें गहराई दे देना है। तो पीछे की पल्ली की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है, अब इसको हम कट कर लेते हैं इसी मार्किंग के ऊपर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पीछे के पल्ले को कट कर लिए हैं और अब बचे हुए कपड़े को आपको थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको बिना कप का ब्लाउज बनाना है तो फिर आपको एक ही लेयर में लेना है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस ब्लाउज में कप डालना है। तो आगे के पल्ले के लिए आपको 2 लेयर अस्तर कट करना है, तो आप 2 बार में कट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लॉस होगा, उससे अच्छा है कि हम एक ही साथ डबल फोल्ड कर लेते हैं इस कपड़े को यहाँ से। तो आगे के पल्ले में ना 2 लेयर ले लेंगे कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 लेयर और अस्तर इसके नीचे हम रख लिए हैं और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ से।
आपको फोल्डिंग ना पीछे के पल्ले के हिसाब से आगे के पल्ले में चौड़ाई में बढ़ा के लगाना है, क्योंकि चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ उसको 11 इंच में फोल्ड किए थे ना, तो इसको हम 12.5 इंच में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से रख लेंगे, और इसमें हम ना आधा इंच मार्जिन पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच पे हमें इसलिए लाइन बनाए हैं क्योंकि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले में लंबाई ना हमको हाफ इंच यहाँ पे बढ़ा के लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे के पल्ले को लेंगे और इस लाइन को छोड़ते हुए इसके ऊपर इसको रख लेंगे। रखने के बाद से अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको कॉपी कर लेना है पहले, यानी इसके बराबर से आपको पहले मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पे देखिए, इस मार्किंग को करने के बाद से ना हल्का सा इसको डार्क कर लेते हैं। देखिए मार्किंग को डार्क करने के बाद से ना, अब आपको मैं क्लियर करूँगी कि साइड में आपको किस साइज में कितना बढ़ाना है। तो ये तो हो गया हमारा आर्म होल का साइज, तो यहाँ पे आपको ना मात्र 1 इंच ही बढ़ाना है। आपका साइज कोई भी हो, यहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन नीचे की साइड ना आपको पफ देने के लिए साइज के हिसाब से लेना है। जैसे कि 34 और 36, दो साइज में आप यहाँ पर कितना ले लेंगे, 1.5 इंच ले लेंगे। और यहीं पर अगर 38 साइज है, 40 साइज है, तो आपको वहाँ पे 2 इंच यहाँ पे ले एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि 36 साइज चेस्ट का हमारा ब्लाउज है। अब यहाँ से इसको मिला लेंगे। अब देख सकते हैं इस ब्लाउज में मैं साइड में चैन लगाने वाली हूँ, इसलिए हुकाई पट्टी के लिए हम किसी भी साइड मार्जिन नहीं लेंगे। अब बिल्कुल इसके ऊपर इसको कट कर लेते हैं, फिर आगे की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आगे के पल्ले को भी हम यहाँ से कट कर लिए हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेते हैं, फिर आगे की मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे हम ना जो आर्म होल का शेप होता है उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं और फिर इसको इसमें मिला लेंगे। अभी हम गहराई नहीं देंगे आर्म होल में, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट करके ज्वाइंट करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो उस टाइम हम आर्म होल में गहराई देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो गला आपको जितना डीप चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरे में एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है तो इसी के हिसाब से मुझे गला लेना है। गला हम अस्तर के ऊपर नहीं कट करेंगे, साथ में यहाँ पे सिलाई लगा के पलटेंगे। लेकिन अगर आपका नॉर्मल ब्लाउज हो तो फिर आप गले की चौड़ाई 2.5 इंच लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। गला का लंबाई यहाँ पर हम 7 इंच में लेंगे क्योंकि वी नेक टाइप का यहाँ पर सेफ है। 7 इंच में ले लेंगे गले की लंबाई, और नीचे से चारकोर बॉक्स बनाते हुए अगर आपको गोल गला का शेप देना है तो आप गोल गला दे सकते हैं आप में, अगर गला पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे हम बस चारकोर बॉक्स बना के छोड़ देंगे, गले को इस पर नहीं कट करेंगे। अगर आप यहाँ पे गला को कट कर देते हो तो फिर आपका जो एम्ब्रॉयडरी है, जो स्टोन है, उसके हिसाब से आपका गला एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको टक्स पॉइंट निकालना है शोल्डर से लेकर के, देखिए यहाँ पे 9.5 इंच पे 32 साइज के लिए मार्क कर लेंगे। कितने साइज के लिए, 32 साइज के लिए। और यहाँ पे मेरा 36 साइज है, तो 36 साइज के लिए आपको 10 इंच में 2 सूता कम पे टक्स पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे 34 36 दोनों साइज के लिए आपको 10 इंच में 2 पॉइंट कम कर लेना है टक्स पॉइंट को। अभी यहाँ पे बंद भाग से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अगर आप 34 साइज या 32 साइज का बना रहे हैं तो 3.5 इंच लीजिएगा। कितना लेना है, 3.5 इंच लेना है। लेकिन हम यहाँ पे 36 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो 4 इंच में 2 सूता कम ले लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल मार्क करेंगे, यहाँ से 4 इंच में 2 सूता कम पे एकदम एग्जिट मार्किंग करेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 4 इंच में 2 सूता कम लिए हैं तो नीचे के साइड हम कितना ले लेंगे, 3.5 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब ये जो हम 1.5 इंच बढ़ाए थे साइड में, इसीलिए बढ़ाए थे ताकि यहाँ से हम कट करके पफ क्रिएट कर सके। तो हम यहाँ पे कितने पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप जितना यहाँ पर बढ़ाए हैं उतना आपको ले लेना है अपने साइज के हिसाब से। तो 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद से ना आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधा लेके जाना है 2 इंच तक, बिल्कुल सीधा मार्क करना है। उसके बाद से इसमें हम शेप देंगे। कपड़े को हम अपने साइड घुमा लेते हैं, फिर इसमें प्रिंसेस कट में शेप देते हैं। अब आपको देखिए फ्रेंड्स, शेप कैसे देना है, ये वाला जो पॉइंट है उसको हल्का सा मार्क करते हुए यहाँ पे लाके टक्स पॉइंट में मिला लेंगे,
और टक्स पॉइंट के पास से मार्किंग करते हुए जो कॉर्नर है ना उससे 2 पॉइंट ऊपर की साइड मार्क कर लेंगे। फिर अब यहाँ से हल्का सा कपड़ा चौड़ा करते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे, जो हमारा यहाँ का टक्स बनता है ना उसके लिए वाली हमारी मार्किंग है। ये जो बीच का कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंच तक तो बिल्कुल स्ट्रेट आया था, अब इसमें हम शेप देके टक्स पॉइंट में लाके मिला लेंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो हमारा कपड़ा निकलेगा ना उसका पफ क्रिएट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में किस तरह से इसमें शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट का जो मार्किंग है कंप्लीट हो गया है। तो देखिए प्रिंसेस कट की मार्किंग करने के बाद से ना जो हम बढ़ाए थे इतना पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को, तो उसको हम कम कर लेंगे, क्योंकि इसे अगर हम कम नहीं करते हैं तो इस साइड में हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा तो फिटिंग नहीं हो पाएगी अच्छी। तो इसको कम कैसे करना है, इस मार्किंग पर रखेंगे और तिरछे में हल्का सा आपको राउंड देते हुए इसमें मिला लेना है। तो ये आपका ऐसे कम हो जाएगा और यहाँ का भी आपको इस तरह से कम कर लेना है। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई, अब हम इसको कट कर लेते हैं इसी मार्किंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो भी हमारी मार्किंग हुई है उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चाप कपड़ा कट करके निकालेंगे, बाकी जो बीच का हम 1.5 इंच लिए थे वो भी कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना प्रिंसेस कट का जो कटिंग है कंप्लीट हो गया है आगे के पल्ले का, और अस्तर हमारा एक ही साथ 2 लेयर में कट हुआ है। दोनों साइड सेंटर पर कट लगा देंगे छोटा छोटा, और अब देख सकते हैं साइड वाला 2-2 पीस है, फिर जो सेंटर पार्ट है वो भी 2 पीस है कप लगाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मेन कपड़े की कटिंग करेंगे, तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है स्टोन है वो आगे के पल्ले के लिए, तो जो भी गला है एकदम आधे हाथ पर से उसको फोल्ड कर लेंगे। बीचों बीच से फोल्ड करने के बाद से अब प्रिंसेस कट वाले गला का जो एम्ब्रॉयडरी है वहाँ से जितना लंबा गला लेना है उतना नाप लेना है आपको। मैं 7 इंच में गला ले रही हूँ, तो 7 इंच पे नाप लेंगे, एक सीधी लाइन बना लेंगे और सेंटर पार्ट को पहले रखेंगे, फिर उसके बगल में इस साइड वाला पार्ट रख के कट कर लेंगे। तो मेन कटिंग की, मेन कपड़े की भी कटिंग हो गई, पीछे के पल्ले को भी बिल्कुल इसी तरह से रख के आपको कट कर लेना है। बाजू का कटिंग सिलाई नहीं बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए अब हम सिलाई के लिए आ गए हैं, और आपको क्या करना है, मेन कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है बीच से और सेंटर पर कट लगा देना। अस्तर वाले पर भी कट लगा लेंगे और दोनों का सेंटर का कट अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मेन कपड़े के उल्टे साइड एक लेयर अस्तर को रखेंगे और अच्छे से इसको पिनअप करके बस चारों तरफ सिलाई लगा के इसको आपस में सेट कर लेंगे। अगर आप बिना कप का बना रहे हो तो ये वाला अस्तर आप सीधे साइड रखो और गले पर सिलाई लगा के पलट लो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 लेयर अस्तर कट की हूँ। पहले एक अस्तर मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे, फिर दूसरा वाला सीधे साइड रख के गले को पलटेंगे। तो देखिए अच्छे से पिनअप कर लेंगे क्योंकि काफ़ी फिसलने वाला कपड़ा है। एकदम अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देते जाएंगे और चारों तरफ यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे घुमा के। जहाँ भी स्टोन आ रहा है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे तो उसमें भी हमारा मार्जिन यूज होगा, तो स्टोन वाला पार्ट आपको एक चाप तक का जो भी आ रहा है उसको हटा लेना है। यहाँ भी चारों तरफ सिलाई लगाने के वास्ते ना पिन को निकालेंगे और इसको उल्टा करके अस्तर के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है मेन कपड़े में का उसको छांट लेना है। सेंटर पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अब जो साइड वाला पार्ट है प्रिंसेस कट का, एक लेयर अस्तर को मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए मेन कपड़े को उल्टे साइड से फैला के रखेंगे और मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों को आपस में
आमने सामने रख के सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी अस्तर के बाद जो कपड़ा बच रहा है उसको छांट लेना है। और अब पहले गले को रेडी करेंगे। तो देखिए, एक लेयर जो हमारा अस्तर बचा था कप डालने के लिए, उसको सीधे साइड से रख के पिन लगा लेंगे। इसमें तो कोई सेंटर पॉइंट निकालना नहीं है, दोनों एकदम एक बराबर हैं, चारों तरफ से बराबर से मिला के रख लेना है। और जिस तरह से गला पर स्टोन दिया हुआ है, बिल्कुल उसको चिपकाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से चारों तरफ से घुमा के सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से गला का आपके गले में जो भी शेप है उसके हिसाब से आप कर लीजिए। अगर आप सिंपल गला बना रहे हैं तो आप जैसे गला बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से बना लीजिएगा। अब एक छाप कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को यहाँ से कट करके निकाल लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो देखिए, गले के बीच का जो कपड़ा है उसको हम छांट लिए हैं, और जहाँ जहाँ भी कोना बन रहा है वहाँ छोटा छोटा कट लगा लेंगे। अब देखिए, कट लगाने के बाद से ना अच्छे से नाखून से प्रेस करते उसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए, अस्तर को अंदर के साइड पलटने के बाद से ना हम गले के ऊपर सिलाई लगा के पहले गले को फिक्स कर लेंगे। और अब देखिए, गले को सेट करने के बाद से ना नीचे का जो एक लेयर अस्तर है उसको हटा देंगे, और ऊपर का जो मेन कपड़े के साथ अटैच है उसी में हम साइड वाला प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे। तो कभी भी प्रिंसेस कट वाला पार्ट आप नीचे की साइड से मिला के ही ज्वाइंट करो, और ज्वाइंट करते टाइम आपको मिलाते रहना है। अगर कोई पार्ट थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है तो जो बड़ा हो रहा है उसको हल्का सा लूज कर दो, जो छोटा हो रहा है उसको हल्का सा खींचो, अच्छे से कवर हो जाएगा। अब दूसरे साइड का भी देखिए उसी तरह से ज्वाइंट करेंगे, और इसको भी हम नीचे से ही ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, दोनों साइड का ना प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट हो गया है। ऊपर वाले लेयर में यानी मेन कपड़े को मेन कपड़े से ज्वाइंट करना है, और इसके अंदर जो हम एक लेयर अस्तर पलटे हैं गले के ऊपर रख के, उसमें हम अस्तर वाला पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, ये जो सेंटर है ना, सेंटर में जो एक लेयर अस्तर है उसमें अस्तर वाला पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे। सीधा उल्टा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, उस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए, अस्तर वाले से अस्तर वाला ज्वाइंट कर लिए हैं, दोनों साइड बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पे दो लेयर में हमारा अस्तर हो गया है। तो अब यहाँ पे नापेंगे कितने इंच पे कप डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 36 इंच में ना, 36 इंच चेस्ट साइज में 10 इंच दो सुता पे नापेंगे ऊपर से, और नीचे जितना भी बच रहा है दूसरे साइड उतने पर मार्क कर लेंगे। तो 5 इंच दो सुता हमारा बच रहा है नीचे की साइड, ऊपर के साइड से आपको 10 इंच में 2 पॉइंट कम लेना है। देखिए, ये जो निशान है उसको उल्टे साइड कर लेंगे, ऊपर वाला लेयर हटा लेंगे, और कप का सेंटर मार्किंग करते हुए नीचे के साइड पे जहाँ भी निशान बनाए हैं कप का सेंटर और वो निशान दोनों एक पर रख के बस थोड़ा सा स्टिच करेंगे, और दूसरे साइड का बिल्कुल उसी तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। बीच में आपका 3 उंगली का गैपिंग होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से कप को अटैच कर लेंगे, और कप को अटैच करने के बाद से इसके ऊपर से मेन कपड़े को रखेंगे और सेट करेंगे। तो देखिए, इसके ऊपर मेन कपड़े को रखने के बाद से ना, अब नीचे वाला जो अस्तर है वो और ऊपर का मेन कपड़ा दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। देखिए, यहाँ पे नीचे के साइड भी ना हम जो प्रिंसेस कट का ज्वाइंट है, अस्तर और मेन कपड़ा दोनों आपका एक पर आना चाहिए। देखिए, इस तरह से मिला लेना है कि एक पर आ रहा है कि नहीं, और ऊपर वाला जो कपड़ा है ना, दोनों को दो भाग में करके प्रेस कर लेना है, जो आप मार्जिन पकड़ के स्टिच किए हों।
तो देखिए यहाँ पे ना अस्तर और मेन कपड़ा आपस में अटैच हो गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ पे आर्म होल में छटाई कर लेंगे, क्योंकि कटिंग करते टाइम छटाई नहीं की तो इसको आपको ज़रूर से कर लेना है। देखिए अच्छे से गहराई दे देना है, एक साइड का गहराई देंगे और बीचों बीच से इसको फोल्ड करके उसी के हिसाब से दूसरे साइड का आर्म होल छांट लेंगे और साइड से भी इसको बराबर कर लेंगे कि साइड से ऑलरेडी बराबर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स नीचे के साइड से ना जो कम ज़्यादा लग रहा है उसको अच्छे से छांट लेंगे और बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद से देखिए यहाँ पे हम डोरी वाला पाइपिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए ना ये जो गोल्डन कलर का कपड़ा एक इंच दो सूता चौड़ाई में लेना है और नीचे वाला कपड़ा हम डेढ़ इंच चौड़ाई में लिए हैं। अब देखिए जो कम चौड़ाई वाला कपड़ा है उसको ऊपर रखे हैं और ये कॉटन का जो है उसको नीचे रखे हैं। यहाँ पे इसके बीच में डोरी को डालते जाएंगे और बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो कपड़ा है ना थोड़ा सा चुभेगा अंदर के साइड जाएगा, तो इसकी वजह से हम अंडरग्राउंड पाइपिंग बना रहे हैं यहाँ पर नीचे के साइड कमर पर, ताकि ये गोल्डन कलर का कपड़ा अंदर के साइड कवर हो जाए और जो कॉटन की पट्टी है अंदर के साइड चुभे ना। साइड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बराबर करेंगे हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए। और बराबर करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अब हम इसको कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए इसका जो रख के हम सिले हैं आप देख सकते हैं गोल्डन कलर वाला पार्ट नीचे के साइड और ऊपर के साइड जो प्लेन कॉटन की पट्टी है वो है। और जो हम जिस साइड हम डोरी वाला पाइपिंग अटैच किए हैं बस उसी सिलाई के ऊपर ये वाला सिलाई लगा रहे हैं, जस्ट डोरी वाली पाइपिंग के बगल में आपको लगाना है। और जब आप इसको पलटोगे ना तो एकदम अच्छे से अंडरग्राउंड पाइपिंग आपकी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसको सेट कर लेंगे। तो एक चाप के दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कमर पट्टी लगाने के बाद से ना यहाँ पे हमारा ब्लाउज कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। और इस ब्लाउज का पीछे के पल्ला का जो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे कल तक मिल जाएगा, बहुत ही स्टाइलिश बैक नेक डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं पीछे नॉट वाला बहुत ही डिजाइनर लुक देगा ये वाला ब्लाउज, तो आप ज़रूर देखें पीछे के पल्ले का।